गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन एसिड्स के बारे में देख रहे थे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे अपन ने देखा था ऑरेंज और लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड, एप्पल के अंदर मैलिक एसिड। ठीक है, इस तरह से अपन ने डिफरेंट डिफरेंट एसिड देखे थे। ठीक है, आज अपन देखेंगे मिनरल एसिड के बारे में। देखिए क्या होते हैं मिनरल एसिड। ऐसे एसिड जो मिनरल से मिलते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। और मिनरल एसिड को ही अपन इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए बाय डेफिनेशन क्या होगा मिनरल एसिड। द एसिड ऑब्टेंड फ्रॉम मिनरल्स इज कॉल्ड मिनरल एसिड एंड इट इज आल्सो कॉल्ड मिनरल एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ऐसे एसिड जो हमको मिनरल से मिलते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। और मिनरल एसिड को ही अपन क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। अब देखिए जो ये मिनरल एसिड होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनको अपन स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे एसिड जो मिनरल से मिलेंगे उनको मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल है कि कौन कौन से होते हैं मिनरल एसिड। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है H2SO4, क्या बोलेंगे इसको, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, क्या बोलेंगे इसको, H2SO4। H2SO4 का मतलब क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा मिनरल एसिड क्या है, HCl, और इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है HNO3, इसको बोलेंगे नाइट्रिक एसिड। HNO3 को क्या बोलेंगे, नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है H3PO4, क्या है, H3PO4, क्या बोलेंगे इसको, फॉस्फोरिक एसिड। ये सब क्या है, मिनरल एसिड। देखिए कौन कौन से मिनरल एसिड, फर्स्ट को अपन कैसे पढ़ेंगे, H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थर्ड है HNO3, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है H3PO4, इसको बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड। ये सब किसके एग्जाम्पल है, मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड या फिर बोले तो स्ट्रॉन्ग एसिड। अब अपन हेनरी कैवेंडिश के अकॉर्डिंग देखेंगे कि एसिड क्या है। देखिए हेनरी कैवेंडिश एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवरी की थी मेटल और एसिड की रिएक्शन की। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि जब किसी मेटल की रिएक्शन एसिड से करवाई जाती है तो एक गैस रिलीज होती है और इस गैस को नाम दिया था इन्होंने हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हेनरी कैवेंडिश एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि जब मेटल की रिएक्शन एसिड से करवाई जाती है तो एक गैस रिलीज होती है और उस गैस को इन्होंने नाम दिया था हाइड्रोजन गैस। तो देखिए क्या लिखेंगे आप हेनरी कैवेंडिश में, अकॉर्डिंग टू हेनरी कैवेंडिश व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड दैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। हेनरी कैवेंडिश के अनुसार जब मेटल की रिएक्शन किसी भी एसिड से करवाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, गैस बनाएंगे जिसको इन्होंने नाम दिया हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये अपना एसिड का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ तक आपकी बुक से रीडिंग लगानी है और ये वर्क आपको साइंस के प्रैक्टिकल में करना है, चाहे तो आप साइंस के रजिस्टर में भी कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए हेनरी कैवेंडिश के बारे में मैं एक और बात बता दूँ आपको। जो हेनरी कैवेंडिश है इन्होंने ये तो बताया था कि भाई मेटल की रिएक्शन एसिड से करवाने पर हाइड्रोजन गैस बनती है, साथ ही साथ इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन दी थी एसिड और बेस के बारे में, जो मेजर है, मेजर डिफरेंस बताता है एसिड और बेस के बारे में। इन्होंने हेनरी कैवेंडिश ने सबसे पहले बताया था कि ऐसे सब्सटेंस जो सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन देते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन देते हैं उनको एसिड बोला जाता है, और ऐसे सब्सटेंस जो सॉल्यूशन के अंदर OH- आयन देते हैं उनको अपन बोलते हैं बेस। इन्होंने सबसे पहले डेफिनेशन बताई थी कि जो एसिड है वो
सॉल्यूशन में एच प्लस आयन देते हैं, जबकि जो बेस है वो सॉल्यूशन में ओ एच माइनस आयन देते हैं। इनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे जब अपन एसिड और बेस में डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले तो अपन जनरली देखें तो सही कि एसिड बेस क्या है, उसके बाद में अपन इसका डिफरेंस देखेंगे। और डिफरेंस देखेंगे उस टाइम अपन देखेंगे कि किस तरह से एसिड सॉल्यूशन के अंदर एच प्लस आयन देते हैं और किस तरह से बेस ओ एच माइनस आयन देते हैं। इनकी मैं आपको रिएक्शन करवा के और पूरा बताऊंगा, ठीक है? तो यहाँ तक आपको आपकी बुक से रीडिंग करना है, साथ में ये वर्क आपको साइंस के रजिस्टर में करना है।